तो फिर चलिए चॉकलेट डे के इस मौके पर लेकर चलते हैं अब इन चॉकलेट्स को पांड्या स्टोर के घर वालों के पास और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं चॉकलेट डे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में भी खुली रहे मिठास, क्योंकि इनके यहाँ भी है अनलिमिटेड ड्रामा, है ना? क्रिश की सगाई में श्वेता की एंट्री, रिशिता ने मचाया बवाल, श्वेता के गाल हुए लाल, स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में हो रही है क्रिश और प्रेरणा की सगाई, लेकिन तभी कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि हो गई श्वेता महारानी की एंट्री। एंट्री बहुत धमाकेदार हुई है, श्वेता की एंट्री हमेशा ही धमाकेदार होती है, वो कभी भी ऐसे नॉर्मल एंट्री नहीं लेती है। ये तो मतलब एंगेजमेंट में ही पहुंच गई है, तोड़ नहीं रही है, बधाई दे रही है, बट हाँ मजे ले रही है। पर श्वेता के मजे का किरकिरा तो तब हो गया जब रिशिता श्वेता को देखकर भड़क उठी, क्योंकि उसे अपनी चुटकी की याद आ गई। और जरा देखिए कैसे गुस्से में आग बबूला होकर वो श्वेता को मारने लगी और अपनी चुटकी का पता जानने की कोशिश कर रही है। इसी बीच धरा ने भी श्वेता के गालों पर अपना हाथ साफ कर दिया, क्योंकि गुस्सा तो धरा के मन में भी है, उसी की वजह से उसका परिवार जो बिखर गया। बोल! बोल ना चुकी का, चुप क्यों बैठी है? बोल! बंद कर दिया, मारना, मारती रहे जब तक बताती। बोल! बोल! और तो और रावी भी आ गई श्वेता को खरी खोटी सुनाने के लिए। छिल्ली तूने, शिवा की ये हालत हो गई तेरी वजह से। चल बता चुटकी का है, बता चुटकी का है। श्वेता बोल चुकी का है। मतलब आप लोगों को तो नहीं जाना है कि चुटकी का है? पुलिस को बुलाओगे, मुझे पुलिस लेके जाएगी और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऑफकोर्स एज एक्सपेक्टेड मैं उसका बच्चा लेके भागी हूँ, तो कोई भी माँ जो करती है पूछेगी मुझसे, मार रही है मुझे, पूछ रही है कहाँ है मेरा बच्चा, तो वही सब चल रहा है ड्रामा। थप्पड़ तो खा रही है वो, बट मैंने बहुत थप्पड़ खाए इन लोगों के, तो अभी आदत सी हो गई है मुझे, मैं जिद्दी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता थप्पड़ थप्पड़ से, आगे बोलूंगी भी थप्पड़ से, डर नहीं लगता मुझे। इससे पहले कि देव पुलिस को बुलाता श्वेता ने अपना पासा फेंक दिया, जिसके चलते रिशिता उसके सामने गड़गड़ाने लगी, श्वेता के पैरों में गिरकर अपनी बेटी का पता जानने लगी। इतना ही नहीं, उसने श्वेता को चीकू को ले जाने तक को कह दिया। श्वेता तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज ज्यादा प्लीज बता दो चुटकी का है, प्लीज प्लीज मुझे मेरी चुटकी वापस कर दो, मुझे तुझे चाहिए ना, मैं तेरे पैर पड़ जाऊं, प्लीज मैं पूरी जिंदगी तेरे नौकरानी में करूंगी, प्लीज तू तेरा बच्चा चीकू को ले जा, श्वेता सिर्फ अपने बच्ची बीमार है उसकी, तो उसके लिए पैसा लेने आई है, और क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो एक्सपेक्ट करे कि ये लोग पैसा दे देंगे, तो बस वही डिमांड लेकर आई है। तुझे बहुत बड़ा पाप करे, प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुझे चीकू चाहिए ना, चीकू को ले जा, मेरी चुटकी को दे दे। अब देखना होगा कि क्या पांड्या परिवार चुटकी को पाने के लिए श्वेता के सामने झुक जाएगा और क्या श्वेता अपने चाल में कामयाब हो जाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।